यही कहना चाहूंगा कि जेजेपी का ये काफिला बढ़ता रहेगा चौधरी देवीलाल की विरासत के साथ, मेरे कार्यकर्ता की ताकत के साथ, हरियाणा के हकों और हिफाजत के साथ। और अब आपकी जिम्मेवारी है साथियों कि अब घर घर जाकर पार्टी के संगठन को, चौधरी देवीलाल जी के विचारों को और मजबूती देने का काम करें। यमुनानगर खबर जजपा यानी जननायक जनता पार्टी के पांचवें स्थापना दिवस की। भिवानी में जजपा का शक्ति प्रदर्शन, जजपा ने रैली के माध्यम से 2024 के चुनाव की भरी उमकार। बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। उप मुख्यमंत्री के अलावा जजपा के 5 विधायक व 2 मंत्री रैली में हुए शामिल। जजपा से जुड़े सभी वक्ताओं ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बताया भावी मुख्यमंत्री। जजपा रैली में पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किया रैली को संबोधित। बता दें हरियाणा प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। प्रदेश में 10,000 गाड़ियों के निर्माण की क्षमता वाला प्लांट हरियाणा में लगाया गया। बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए करवाकर चौधरी देवीलाल की बुजुर्ग सम्मान नीति को आगे बढ़ाएंगे चौटाला। हरियाणा देश में पहला राज्य है जहां बीपीएल परिवारों की आय 1,80,000 रुपए। जननायक जनता पार्टी मजबूती के साथ भाजपा के साथ गठबंधन में काम कर रही है, ऐसा कहते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया। लोकसभा चुनाव में अब मात्र 1.5 वर्ष बचा है, इसलिए कार्यकर्ताओं को अब एकजुट हो जाना चाहिए। पार्टी के पांचवें स्थापना दिवस पर आयोजित जन सम्मान दिवस रैली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में उमड़े जन सैलाब को संबोधित किया। प्रतिदिन विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा हरियाणा, हरियाणा में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। 10,000 गाड़ियों के निर्माण की क्षमता वाला प्लांट हरियाणा में आया है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लॉजिस्टिक वेयर हाउस स्थापित किया जा रहा है, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियां अपना व्यापार कर रही हैं। यह बात उन्होंने आज भिवानी में जननायक जनता पार्टी के पांचवें स्थापना दिवस पर आयोजित जन सम्मान दिवस रैली के मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कही। जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित इस रैली में प्रदेश भर से भारी संख्या में जजपा कार्यकर्ता पहुंचे। इस रैली में 1200 वॉलंटियर तो सिर्फ कार्यक्रम की व्यवस्था को संभाले हुए थे, वहीं रैली में हरियाणवी व पंजाबी कलाकारों ने आए हुए लोगों का मनोरंजन भी किया। रैली के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं हरी व पीली चुनरी ओढ़कर हरियाणवी लोकगीत गाते हुए पहुंची। जननायक जनता पार्टी की रैली में जजपा के 5 विधायक, 2 मंत्री व खुद उप मुख्यमंत्री सहित कई पूर्व विधायकों व पार्टी संगठन से जुड़े लोगों ने शिरकत की। आज 10,000 गाड़ियां एक प्लांट से साल में बनेगी। वही मेवात जैसी जगह जहाँ इंडस्ट्री जाने से कतराती थी, आज मेवात के अंदर हमने प्रयास कर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लाने का काम किया। गुड़गांव के अंदर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा वेयर हाउस लॉजिस्टिक का आज हम ई कॉमर्स के लिए बनवा रहे हैं फ्लिपकार्ट से। आज अगर उठाकर देखो प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में, चाहे पद्मा योजना हो, चाहे हमारी स्टार्टअप योजना हो, चाहे ई व्हीकल योजना हो, अलग अलग इंडस्ट्री का रुझान हरियाणा की ओर बढ़ा। और तो और बसों की कंपनी JBM ने इंडिया में इलेक्ट्रिक बस बने उसका पहला प्लांट आपके पलवल में लगाने का काम किया। साथियों मैं तो एक चीज बोलना चाहूँगा, आज हमें फोकस करना है, बढ़ाना है, कमेरे की ताकत को बढ़ाना है। और प्रदेश सरकार ने अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज आयुष्मान योजना हर उस गरीब BPL होल्डर को मिलती है, जिससे वो देश के किसी भी कोने में जाकर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकता है। आज BPL की सीमा केवल मात्र हरियाणा इकलौता प्रदेश है जहाँ 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 करने की काम किया। और ये वादा आज करता हूँ कि अब BPL राशन कार्ड बनाने के अंदर दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, आपको कोई पीला हरा खाकी रंग से बांटने का काम नहीं करेगा। अगर आपके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है तो आपके PPP के ऊपर आधार नंबर डिपो में जाके दे देना नए साल से आपको। और युवाओं से भी आह्वान करता हूँ साथियों, जो बूथ योद्धा का आपका निर्णय था
उसको आगे लेकर चलो। आज बूथ को मजबूत करने की जरूरत है। ये 19,000 बूथ अगर हमने मजबूत कर लिए और हर बूथ पर एक साथी को जोड़ने का काम कर लिया और एक माता बहन को सखी बनाने का काम कर लिया, तो ये विश्वास दिला देता हूँ कि चौधरी देवीलाल का जो सपना था कि हमारा लोकराज से चले, उस सपने को तो हम मजबूती देने का काम करेंगे। वही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सपने को भी पूरा करेंगे कि प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी का विस्तारण हो, बढ़ावा हो और दूसरे प्रदेशों में भी जाकर संगठन को मजबूती देंगे।